फैक्ट नंबर वन, एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। फैक्ट नंबर टू, गाइज अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। हम जब भी कभी किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट को हम लोग महंगे में खरीद रहे हैं या फिर सस्ते में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की प्राइस फेस्टिवल सेल्स के कारण कम या ज्यादा होती रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेगा। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है प्राइस हिस्ट्री, याद रखिएगा प्राइस हिस्ट्री, और पहली वेबसाइट pricehistory.in पर क्लिक करके आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का लिंक शॉपिंग वेबसाइट से कॉपी करके इस वेबसाइट में आपको पेस्ट करना रहेगा। ये वेबसाइट आपको उस प्रोडक्ट की लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस बता देगी।